अभी हमने एक रेस्ट लिया यहाँ पर, और अभी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे राजस्थान की सबसे फेवरेट डिश जो कि कचौरी और ये मिर्ची वड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अभी एक स्टॉल लगा था छोटा सा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेते हैं और टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही फेमस है भाई राजस्थान की डिश। आप भी कभी आओ। कुछ ऐसा व्यू है बस का जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो AR वाली प्लेट नंबर, ये मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, पर ये वाली जो बस है के साथ। तो गाइज आज है संडे और फिलहाल जो डेट है आज 7 मई है। ठीक है, तो आज हम वापस से जर्नी कवर करने वाले, तो आज बस से करेंगे। इससे पहले हमने बहुत ही ट्रेन से जर्नी वगैरह की है, बस से भी जर्नी की है, पर बहुत ही ना के बराबर। ठीक है, तो एक साल पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो राजस्थान से मुंबई की, और वो पार्ट 2 था लगभग, तो उस पर बहुत ही मुझे अच्छी खासी रीच मिल रही थी, तो मैंने सोचा भाई वापस वो रिपीट करते हैं वो वाली जर्नी को। तो बस की अगर मैं पर्सनली बताओ आपको, तो मुझे बस की जर्नी बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई वापस से कवर करते हैं बस की जर्नी को, और फिलहाल मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है पापा। लगभग जितने भी जर्नी में मैं अकेले नहीं करता, बस वो जो ट्रेन की जर्नी थी बस वो मैंने अकेले की थी, बाकी तो मेरे साथ फैमिली का कोई ना कोई मेम्बर तो रहता ही है। ठीक है, तो फिलहाल ब्लॉग को करते हैं अभी स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ, और मैं हूँ अभी फिलहाल राजस्थान में, और राजस्थान का जो टेम्परेचर चल रहा है आफ्टरनून का वो 30 डिग्री चल रहा है लगभग, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बोल सकते, हल्की हल्की हवाएं भी चलती है ठंडी ठंडी वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आए थे गोमती चौराहे, जो कि यहाँ पर बस के ऑफिसर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी जो बस के भाव चल रहे हो भाई आसमान छू रहे, जो कि हमने यहाँ पर डबल स्लीपर का भाव पूछा तो लगभग 4000 बोल रहे, और बार्गेनिंग तो पूछे मत यार, यहाँ पर बार्गेनिंग होती नहीं पहली बार, और फिर सिंगल स्लीपर का पूछ रहे तो 2000 बोल रहे भाई, होता ही है क्योंकि ये अभी सीज़न चल रहा है, और ट्रेन की जो टिकट्स है वो अभी मिल रही नहीं है। ट्रेन के टिकट्स हम लोग करने वाले थे लगभग सेकंड AC में, ट्राई किए थे पर नहीं हुआ, तो यार अभी हमने सीधा दूसरा ऑप्शन ही चूज़ किया जो कि ये बस का ऑप्शन। ठीक है, तो फिर चलिए ब्लॉग को करते स्टार्ट अभी बिना किसी देरी के साथ, और फिलहाल ये भी बता देता हूँ अभी हमारी जो जर्नी होने वाली है वो राजस्थान से मुंबई की ओर होने वाली है, लगभग 1000 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। तो ब्लॉग को करते स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ, मैं गाइस ये वाला ऑफिस है जिधर से हमने बस की अभी टिकट बुक की है, जो कि भाई अभी टिकट के भाव बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाले चल रहे हैं। यहाँ पर देखो लाइन से बहुत सारे ऑफिसेज है बस के, यहाँ पर देखो कितने सारे ऑफिसेज है यहाँ पर है, मतलब पूरा ये जो एक लाइन है पूरा मतलब बस के ऑफिसेज ही है यहाँ पर, ये देखो। अभी एक ये बस आई है श्री कृष्णा करके, इसकी जो ब्रांच है वो जस्ट यहाँ पर सामने। ठीक है, और यहाँ पर सभी पैसेंजर वगैरह बैठे रहते हैं। ठीक है, और हमारी जो मतलब हमने जहाँ से टिकट बुक किया वो ये है यहाँ पर श्री महालक्ष्मी, जो कि बहुत ही पहचान के हमारे। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा कम करके दे दिया, 1800 तक हमें मतलब कम करके दे दिया, जबकि सिंगल स्लीपर का 2000 रेट चल रहा था। ठीक है, जो हमारी बस है वो है फाल्कॉन। ठीक है, जो उसका टाइमिंग है 2 बजे के लगभग, और अभी हम बहुत यहाँ पर जल्दी आ गए, लगभग 12 बजे आ गए हमने। मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी क्यों आए, देखो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि लेट आएंगे तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और प्लस जो पैसेंजर है वो जल्दी जल्दी आके पूरी बस ही बुक हो जाएगी, फिर हमें सीधा कल आना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हम आए यहाँ पर थोड़े जल्दी आए। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर सीट भी मिल जाए, हमें यहाँ पर सीट भी मिल गई सिंगल स्लीपर लेट है। अभी हमने एक रेस्ट लिया यहाँ पर, और अभी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे राजस्थान की सबसे फेवरेट डिश जो कि कचौरी और ये मिर्ची वड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अभी एक स्टॉल लगा था छोटा सा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेते हैं और टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है भाई राजस्थान की डिश। आप भी कभी आओ तो यहाँ पर कभी टेस्ट करना ज़रूर है, ज़रूर टेस्ट करना कचौरी और मिर्ची वड़ा। ठीक है, तो अभी खाते हैं, और छोटा सा स्टॉल था यहाँ पर, कचौरी वगैरह सब है, यहाँ पर अभी कचौरी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो। One hour later. गाइस बस के अंदर एंटर होगा, ये है अंदर कैबिन का व्यू कुछ ऐसा है, और यहाँ पर शूज़ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये है लाइट्स, पर लाइट अभी ऑन नहीं है। ठीक है, और ये है चार्जिंग सॉकेट, जो कि अभी हम रात को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फ़ोन है फुल चार्ज, और ये है हमारी एजेंसी, जो कि हम जब भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं बस में तो ये हमारी फिक्स है, हम यहाँ से ही टिकट वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो फिर यहाँ से देखो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अभी तो गाइस बस रवाना होने में बस अभी कुछ ही देर है। ठीक है, वो बस अभी थोड़ी सी डिले हो गई, लगभग 10 मिनट लेट है। ठीक है, तो फिलहाल अभी अंदर का
अंदर इतना पता नहीं चल रहा कुछ गर्मी है कि क्या है, बाकी बाहर थोड़ी ज़्यादा धूप है तो इसकी वजह से गर्मी है तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, बस अभी मैं आपको हर एक स्टेशन तो मैं उतर के नहीं बता सकता, तो मैं आपको विंडो से सब बताऊँगा। तो इसमें यहाँ पर पहले तो सबसे पहले स्टेशन आएगा नाथद्वारा, फिर आएगा उदयपुर वगैरह, वैसे बहुत स्टेशन आएगा भाई। ब्लॉग को देखना फुल, ठीक है, स्क्रीन को कर दो फुल, तो आपको भी मज़ा आए। ठीक है, अभी मैं फिलहाल बैठे हो भाई कैबिन में, एक्चुअली मेरा कैबिन जो है वो पीछे है, इसके भी पीछे है, तो सबसे लास्ट वाला होता है वो है। जो गाइस ये बस की एक अच्छी बात है बहुत, क्योंकि ये है ना मतलब एक रूट पूरा कवर करके आने के बाद वापस से फुल सर्विस होती है, जो कि इतने मतलब नॉइज़ वगैरह नहीं होती। और बस अभी यहाँ से हो गई है रवाना, ठीक है, तो अभी मस्त मैं अभी आपको अल्ट्रा वाइड शूट दिखाऊँगा और मज़ा आ रहा है भाई। अभी तो जर्नी स्टार्ट हो गई, 5 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है, तो पूरा कवर करेंगे जर्नी को और एंड तक देखना ब्लॉग को। ठीक है, और पहली बार चैनल पे हो तो क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है और बेल आइकन भी दबा देना कि जितने जल्दी वीडियो आए तो आपके पास ही आए पहले। ठीक है, ये फिलहाल कैबिन का एक पूरा टूर प्रॉपर, ठीक है, तो ये है एक ऐसे मतलब ऐसे, तो इसे सीधा सा बंद कर दे तो ये भाई ये अपने अंदर की बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है भाई धूप धूप से बचने के लिए ये सब। ठीक है, तो अभी इसे करते हैं साइड में और यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो और यहाँ पर अभी हमारे बैग्स वगैरह है, जो कि अभी टाइम हो रहा है गाइस लगभग 2 बजने आ गए, 2 बजने के लिए अभी 10 मिनट है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर एक प्रॉपर गद्दा टाइप है, ठीक है, और ये है जो भी आप शूज़ वगैरह रखना चाहते हो वो यहाँ पर प्रॉपरली रख सकते हैं। और यहाँ पर लाइट है, ठीक है, अभी लाइट ऑन तो नहीं है। यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जो कि अभी रात को चेक करेंगे, अभी तो हमारा फ़ोन है फुल चार्ज, रात को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है भाई पूरा बार का व्यू। तो गाइस यहाँ पर देखते ही देखते ही बस भी पहुँच गई है नाथद्वारा की ओर, और यहाँ पर अभी लगभग 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक है, फिर यहाँ से भी रवाना हो जाएगी, फिर अभी यहाँ पर से यहाँ से सीधा फिर उदयपुर या उदयपुर भी ब्रेक लेगी फिर बस। से कुछ ऐसा व्यू है बस का जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो AR वाली प्लेट नंबर ये मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, पर ये वाली जो बस है अभी भाई नेक्स्ट लेवल वाली है, लगभग 2 घंटा कंटिन्यूस चली और अभी जाके ब्रेक लिया, लगभग देखो टाइम देखो 4 बजे अभी यहाँ पर ब्रेक लिए बस ने, तो अभी फिलहाल आपको अंदर से बता दो। तो ये है अंदर का कुछ ऐसा, ठीक है, और ये है ड्राइविंग कंपार्टमेंट और यहाँ पर जो दूसरे ड्राइवर है वो यहाँ पर रेस्ट करते हैं जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिलहाल अभी यहाँ के बीच यहाँ का कुछ कैबिन यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर एक फ़ैन वगैरह लगा हुआ है ये देखो भाई। ठीक है, अभी आपको गैलरी का दिखाता हूँ अंदर का व्यू, ये देखो अंदर का घंटा कंटिन्यू चलने के बाद बस अभी रेस्ट लिए उदयपुर में। ठीक है, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 4:02, वहाँ से रवाना हुई थी गोमती चौराहे से। नाथद्वारा का मैंने इतना कुछ कैप्चर नहीं किया, नाथद्वारा का भी बहुत ही फेमस मतलब बहुत कुछ है, वहाँ पर एक स्टैचू है शिव शंकर भगवान जी का बहुत बड़ा, वो भी हम कभी टाइम मिलेगा तो कवर करेंगे। ठीक है, तो उतना मैंने कुछ कवर नहीं कर पाया नाथद्वारा, और नाथद्वारा में बहुत लगभग 5 मिनट ही खड़ी थी बस, और जो जो शिव शंकर का स्टैचू दिखता है वो हमें वो साइड दिखता राइट हैंड साइड, और जो हमारी सीट थी वो लेफ्ट हैंड साइड में थी, तो इसलिए मुझे दिखाई नहीं स्टैचू। ठीक है, तो अभी हमारी जो बस है वो उदयपुर में खड़ी है, और उदयपुर में यहाँ पर एक फाल्कन कार्गो करके जो भी जितने भी गुड्स वगैरह वो सब यहाँ से मुंबई वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पर अभी बस ने रेस्ट लिया है लगभग आधा घंटे के, तो मैंने सोचा भाई यहाँ से भी थोड़ा बाहर उतरना चाहिए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और सिंगल कंपार्टमेंट में मैं और हमारे पिताजी है। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी बस जो कि है भाई फाल्कन बहुत बड़ी है यार, देख सकते हो
मैं आपको थोड़ी देर बाद मैं पूरा बस का अंदर का टूर देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर एक होटल आएगा बीच में, होटल में भी थोड़ी मतलब ब्रेक लेने वाली है, तो यहाँ पर जितने भी पैसेंजर वगैरह वो कुछ ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करेंगे जो भी करेंगे, तो वो सब मैं आपको पूरा एक बार बस का टूर दिखा दूंगा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद तो नाइट आ जाएगा, नाइट में इतना शूट करना प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसके बाद तो देखिए थोड़ा बहुत शूट करूँगा पक्का, ठीक है, और हो सके तो सोने की ट्राई नहीं करूँगा। चलिए तो अभी बस के अंदर अभी ज़रा सी चाय वगैरह भी पी लिए और फुल एनर्जी आ गई। मैं सोयानपुर में गाइस हमारी जो बस है वो यहाँ पर स्टॉप की है, और यहाँ पर एक इनका ये फाल्कन कार्गो करके जितने भी मतलब जो गुड्स वगैरह आते हैं वो यहाँ से अभी सीधे मुंबई ट्रांसफ़र होते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर, देखो कितना सामान जा रहा है यहाँ से। तो ये हमारी कुछ बस का, ये है बस का व्यू कुछ ऐसा है, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा पर वो आगे आगे दिखाऊंगा, ठीक है। वो एक दो बस खड़ी थी जैसे कि वो यदुवंशी है और ये है ऋषभ, जो कि अभी तो पूरी खाली है, मुझे तो नहीं लगता ये तो अभी होल्ड पे है शायद से, तो अभी ये तो मुझे तो लगता है वो साइड तरफ ही जाते रहे गोमती चौराहे वगैरह। और ये जो हमारी बस अभी देखो भाई पूरी पैक हो गई पीछे से एकदम, तो सब सामान है वो सब चढ़ गए, अभी बस जस्ट रवाना होने वाली है यहाँ से। फिलहाल गाइस यहाँ पर एक होटल है, तो होटल में यहाँ पर दो तीन बसें रुकी थी और यहाँ पर फिलहाल अभी हमारी भी बस रुकी है, अभी हम थोड़ा देखते हैं खाना वगैरह कुछ खाते हैं। तो 4 बजे से बस रवाना हुई थी तो कंटिन्यूस 10 बजे तक चल रही थी, और अभी आगे रेस्ट लिए बस ये होटल में आकर। तो हमारी जो बस है वो वाइट कलर की वहाँ पर खड़ी है, ये देखो वहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर फिलहाल गाइस अभी होटल में बैठे हैं, होटल में देखते हैं अभी क्या अच्छा है अभी। तो फिलहाल पनीर बटर मसाला ही कुछ ऑर्डर किया, पनीर बटर मसाला, तो वो है जो घर से रोटी लेके आए थे वही खाई गए अभी, ठीक है। तो अभी बस जो है 4 बजे से कंटिन्यू चल रही है गाइस, और 10 बजे तक सोच रहे हो मतलब अभी जाके होल्ड हुई है, अभी जाके रेस्ट पे आई है बस। और फिलहाल अभी जो होटल है पूरी भरी हुई है, क्योंकि यार सबको भूख लगी है, मुझे तो यार नींद आ गई थी, तो अभी आके मैं जस्ट पानी पिया हो पता है, कुछ एकदम पूरी बॉडी वीक हो गई थी यार, कुछ खाया भी नहीं सुबह से, उसकी वजह से अभी फटाफट खाते हैं। और रात को तो इतना शूट नहीं हो पाएगा, और बस का मैं थोड़ा आपको अंदर का व्यू वगैरह बताऊंगा, ठीक है, नाइट व्यू वगैरह। अभी खाना खाते हैं और चलते हैं सीधा अंदर कैबिन के अंदर। पनीर बटर मसाला आ गया। ओके सो गाइस अभी आफ्टरनून के बज रहे हैं लगभग 2, और ये वाला जो क्लिप है मैं 2 बजे शूट कर रहा हूँ। देखो तो बस थी हमारी बहुत लेट, और जैसे हमारी मुंबई का छोड़ने का टाइमिंग था वो 7 बजे का था लगभग, तो अभी बस ने हमें कितने बजे छोड़ा पता है, 11 बजे छोड़ा लगभग बस, मतलब 3-4 घंटे लेट थी बस ने। और रात को जब मैं होटल में उतरा तो उतना कुछ वहाँ पर शूट नहीं कर पाया, ठीक है, तो होटल में इतना कुछ खास खाना नहीं था, तो मैं तो भाई जाके सीधा सो गया। और आपको पता है रात को शूट करना बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होता है, मैं तो भाई जाके सीधा सो गया, और अभी अगले दिन आपको एक क्लिप बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा चलिए बस वाले व्लॉग को करते हैं एंड बिना किसी देरी के साथ, और बस बहुत ज़्यादा लेट थी, तो मतलब बस का जो अगर एक्सपीरियंस बताओ तो बस की जो अंदर सर्विस वगैरह थी वो बहुत ही एवन थी, तो मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे हो तो पता है ना आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा कर ग्रे कर दो, और पहली बार हमारे चैनल पे हो तो वही कर देना, ठीक है। और जितनी जल्दी वीडियो आए बेल आइकन भी दबा देना, जितनी जल्दी वीडियो आए तो सीधा आपके पास ही आए। चलिए ये वाले व्लॉग को करते हैं एंड बिना किसी देरी के साथ, बाय बाय।